अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ हमने डेफिनेशंस हैं जिनको पहले अंडरस्टैंड करना है। बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डेफिनेशन चेक करें। An equation that contains the square of the unknown variable quantity but not higher power is called quadratic equation. ये second degree equation होती है। इसकी standard form देखें तो वो हमारे पास है ax square plus bx plus c equal to 0, where इसके आगे एक बड़ी ही जरूरी शर्त है जो यहाँ पे मिस है कि a not equal to 0। A not equal to 0, अगर वो 0 हो गया तो ये quadratic equation ही नहीं रहेगी। अच्छा, next है pure quadratic equation। अब इसी equation में अगर ये B वाली term 0 हो जाए तो ये सारा element 0 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? Pure quadratic equation। क्या बन जाएगी? Pure quadratic equation। जैसे ये एग्जाम्पल है कि आपके पास स्केयर वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन एक्स वाली नहीं है। सॉल्व करने के तीन तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला तरीका फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्केयर, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब आप ये इक्वेशन देखें, अगर इसमें x की जगह 1/x रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाली 1/x बन जाएगी और 1/x को देखें तो वो क्या हो जाएगा? वो अंडरस्टूड है कि वो x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। 2 तो पहले ही नंबर है, तो देखें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशंस है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर में, तो जब वेरिएबल पावर में आ रहा हो, जैसे ये आ रहा है 2x, तो ये जो वेरिएबल था ये पावर में आ रहा है, लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन, ये सिंपल, जब कोई एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के नीचे आ जाए तो ऐसी इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन है। An equation involving expression of the variable under radical sign is called radical equation। और extraneous root, extra root कौन से होते हैं? Which do not satisfy the original equation is called extraneous root। मजीद हम exercise 1.1 पे चलते हैं, तो इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले तो आपने ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसे सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल में तब्दील करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आया कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें और एक्स को -3 से, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करें और 7 को 3 से, तो आपके पास एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7x और प्लस माइनस -7 3 × 21 और -7 एज इट इज। अच्छा, तो अब एक्स स्क्वायर तो सिंगल टर्म है, ये वैसे की वैसे, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आपके पास 4x आ रहा है और -27 ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा? +7। माइनस का 21 हो, प्लस का 7 हो, माइनस का 14
बाकी ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया, आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और इसके बटे खत्म करने हैं। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें 21 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइडों पे। तो उससे क्या होगा जी, उससे हमें बड़ा फायदा मिलेगा। आपने 21 से पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से x ओवर 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से 21 से 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे 37 टाइम 21 7 x स्क्वायर 74 टाइम 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। इन्हें सिंप्लीफाई करें, इकट्ठे होने के बाद ये इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास x ओवर x प्लस 1 है प्लस x प्लस 1 ओवर x है इज इक्वल टू 6। तो इसका एलसीएम ये बन रहा है, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 6x इंटू x प्लस 1 राइट हैंड साइड पे बना देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x इंटू x प्लस 1 दोनों टर्म से खत्म होने के बाद ये फाइनल आंसर है। इसे रीअरेंज किया, जो एक जैसे हैं वो कंबाइन किए, ऑटोमेटिकली आपके पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी फाइंडिंग होगी। बाकी इसके पार्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपके लिए यही है कि आप इसे प्रैक्टिस करें और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवालात पूछ सकते हैं, दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। और आपको इन तीन मेथड्स के अगर नाम याद हैं तो वो आप शेयर कर दें, जिनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज आपका टास्क है। थैंक यू सो मच।